जैसे ही वो खड़ग लेके प्रहार करने लगा, वसुदेव बोला सावधान, ये देव जननी है, नृसिंह जननी है, ये वामन जननी है, ये राम जननी है। कृष्ण अपनी माँ की अगर एक बूंद भी नीचे गिरा तो आठवें गर्भ का इंतजार नहीं करेगा, अभी सहस्त्रों कृष्ण आ जाएंगे, तुझे अभी मार देंगे। कंस घबरा गया, मरना तय, थोड़े दिन रुक जाओ, अभी मारे जाएंगे। बोला क्या करूं? बोले अंदर बंद कर दो, एक एक बालक देते रहेंगे, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, भगवान जी की आरती का समय हो गया है। वहां जब बालकों को एक एक बालक हो रहा है, वसुदेव कपकपाते हाथ से कंस के पास ले जाते हैं और कंस लेके उस बालक को मारता है दीवाल पे, अतड़ियां छप जाती हैं। दूसरे दिन जब अतड़ियां और मांस के लोथड़े सूख जाते हैं तो देवकी जाके उन्हें नाखूनों से खरोच के झोली में भर लाती है। भगवान के दर्शन इतने सहज नहीं है, इतना सहज होता तो कोई भी कर लेता। माता पिता रुदन कर रहे हैं, भगवान आने वाले हैं, उससे पहले ऐसी कालेमा जेल में। लेकिन माता पिता भी अपने पुत्र के लिए कितना कष्ट सहन करते हैं, अपने बालकों के लिए वो जेल में बंद हैं। कितना कष्ट होता होगा अपने जाए हुए बालकों को कंस के हाथ में देने के लिए। माँ बाप के उपकारों को भूला नहीं जा सकता कभी भी। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ
मत भूलना। जब छोटे बालक होते हैं तो कई बार माता पिता के पास उतने साधन नहीं होते। बहुत बड़े होने के बाद ये बात समझ में आती है कि उन्होंने किस तरह तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया होगा। जो चीज भी तूने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से बड़ा तुझसे प्यार जताया है। इन प्यार लुटाने वालों का ये प्रेम कभी मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। कैसे जब बचपन में रात में जब बिस्तर गीला कर देता है छोटा बच्चा तो उसे भान नहीं होता है, लेकिन सोते हुए ही उसको गीले में से माँ सूखे में कर देती है और खुद गीले में सो जाती है। माँ बाप के उपकारों से कभी उर्रण नहीं हुआ जा सकता। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का बना करके झूला तुझे दिन और रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आंखों में एक आंसू भी मत घोलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही ना खुश हों तेरे